वेलकम टू माय फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स चैनल। दोस्तों, आप सबके कहने से मैंने स्टडी फिट का नाम बदल करके फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स रख दिया है। जैसा कि दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के केवीएस एग्जाम बहुत ही जल्द आपको आने वाला है, 12 से 15 के बीच में है और इस समय आपका बहुत ही अमूल्य समय है, जिसको देखते हुए टाइम न बर्बाद करते हुए मैं आपको 665 क्वेश्चन का सीरीज लेके आई हूँ, जिसमें से पार्ट में पूरा कर रही हूँ, जिसमें से यह छठवां पार्ट है। जल्द से जल्द इसी में पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तंतुमय संधि है? तंतुमय संधि यानी फाइबर ज्वाइंट किसे कहते हैं? तो खोपड़ी की संधि को कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में तीन प्रकार की संधियां पाई जाती है, अचल संधि, अर्धचल संधि और चल संधि। तो खोपड़ी की संधि को अचल संधि कहते हैं। अचल संधि जिसमें कोई गति नहीं होती है, उसको फाइबर ज्वाइंट या फिक्स ज्वाइंट या साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट या इमूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं, जिसमें हमारा खोपड़ी का ज्वाइंट, दांतों का ज्वाइंट और इंटीरियर फिबुला ज्वाइंट आता है। और दूसरा होता है अचल संधि, जिसे हम इसमें थोड़ा थोड़ा गति होता है, जिसे हम सिल्टली मूवेबल कार्टिलेजियस या एम्फियार्थ्रोसिस ज्वाइंट कहते हैं। इसमें हमारा रीढ़ की हड्डी का ज्वाइंट और कुल्हे का सबसे निचला हिस्सा का ज्वाइंट और हमारे पसलियों का ज्वाइंट आता है। तीसरा होता है चल संधि, जिसे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट एंड डायथोसिस ज्वाइंट कहते हैं, जिसमें से 6 प्रकार की ज्वाइंट आती है चल संधि में, जिसमें ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जिसे फिसलने वाला ज्वाइंट या सर्पल ज्वाइंट कहते हैं, एक दूसरे पर हड्डियां फिसलती है, जिसमें कार्पस और टार्सस ज्वाइंट आती है। और बाल एंड सैकेट ज्वाइंट दूसरा होता है चल संधि, जिसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी के सीधा में घुसा रहता है। कंदुक खलीका संधि भी कहते हैं इसे, जिसे शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट होता है। तीसरा होता है चल संधि में हिप ज्वाइंट, जिससे एक तल में गति होती है, एक ही दिशा में, जैसे हमारा दरवाजा एक तरफ खुलता है, जिसे हम कोर संधि भी कहते हैं, कब्जा संधि भी कहते हैं। इसमें नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़ होता है। और चौथा होता है चल संधि में कॉन्डिलायर ज्वाइंट, जिसे इसुलक संधि भी कहते हैं। इसमें दो तल में गति होती है, इसमें ब्रिस्ट ज्वाइंट या कलाई का ज्वाइंट आता है। पांचवा होता है चल संधि में पिवट ज्वाइंट, जिसमें सिर्फ रोटेशन मूवमेंट होता है, एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे में घुसा रहता है, जिसमें सिर का गति, सिर का ज्वाइंट और रेडियस अनला हड्डी का ज्वाइंट होता है। और छठवां होता है सैडल ज्वाइंट, जिसे पृष्ठ संधि भी कहते हैं, इसके परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि भी कहते हैं। इसमें किसी भी दिशा व तल में गति होती है, जैसे हमारा अंगूठा सभी उंगलियों के सामने जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अग्रवर्ती और पश्चवर्ती पद किसके समानार्थक हैं? अग्रवर्ती मतलब मुख्य की तरफ, पृष्ठवर्ती, पश्चवर्ती मतलब पीछे की तरफ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मौखिक और पृष्ठीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, तो अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी, अस्थि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों के निर्माण में के अंतर्गत अस्थि कोशिकाएं क्या है? तो दोस्तों, अस्थियों के निर्माण में अस्थि कोशिका ऑस्टियोब्लास्ट आती है और अस्थियों के विघटन में ऑस्टियोक्लास्ट। यहां ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ष का अस्थि पंजर किससे निर्मित होता है? तो वक्ष का अस्थि पंजर अस्थि उपाधि दोनों से निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन पारस्परिक तंत्रिका भरण की संधि है? अभी मैं जस्ट बताई हूँ कि परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि यानी पारस्परिक तंत्रिका भरण की संधि होती है सैडल ज्वाइंट, जिसमें किसी भी दिशा व तल में गति होती है, जिसमें अंगूठा प्रत्येक अंगुली के सामने जा सकता है। तो ये होता है पृष्ठ संधि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिबंध यानी कलाई संधि किसका उदाहरण है? मणिबंध यानी कलाई की जो संधि है दोस्तों, वो कॉन्डिलायर ज्वाइंट कहलाती है, जिसमें दो तल में गति होती है। इसको हम हिंदी में स्थूलक संधि भी कहते हैं। और हिंदी इंग्लिश वर्जन में दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी वाला समझ में नहीं आता है उतना, तो आप हिंदी वाले जब क्वेश्चन का हल कीजिएगा तो आप इंग्लिश वर्जन जरूर ध्यान में रखिएगा, जिससे आपको आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के निम्नलिखित तलों में कौन उसे ऊपरी और निचले भागों में बांटती है? तो शरीर को कौन सा तल बांटता है दोस्तों ऊपर और निचले भागों में? हॉरिजॉन्टल प्लेन। प्लेन दो तीन प्रकार का होता है, यानी कि जो प्लेन होता है तल तीन प्रकार का होता है, सेजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। सेजिटल दाएं बाएं भागों में बांटती है और फ्रंटल ऊपर आगे पीछे बांटती है और हॉरिजॉन्टल ऊपर नीचे बांटती है। तो इसमें आपका अनुप्रस्थ सही हो जाएगा, यानी कि
हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होती है जिसे अनुप्रस्थ भी कहते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, जो शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्राणी के मणिबंध यानी कलाई की कितनी अस्थियां होती है? कलाई यानी टार्सस हड्डिया इसमें 8 होती हैं। वहीं पर टखने में पूछेगा टार्सस हड्डिया तो 7 हो जाएगा, अब कलाई में कार्पस हड्डिया होती है जो 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अस्थियां ताकत प्रदान करने में काम आती है? तो दोस्तों जो छोटी अस्थियां होती है वो ताकत प्रदान करती है, जो लंबी अस्थियां होती है वो उत्तोलक की तरह काम करती है। नेक्स्ट दोस्तों, अस्थियों का घनत्व सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो पुरुषों में सबसे ज्यादा अस्थियों का घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अस्थियों के संचलन को सीमित करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो जो जो संधियों पर अस्थियां होती है जुड़ी रहती है अस्थिबंध यानी कि लिगामेंट्स के द्वारा, और मांसपेशियां हड्डियां से किससे जुड़ती है? टेंडन के द्वारा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइगोमेटिक बोन यानी गंडास्थि कहां स्थित होती है? तो यह हमारे खोपड़ी में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहनी में आकुंचन किसके द्वारा होता है? तो कोहनी में आकुंचन यानी कि जब हम डंबल करते हैं या कुछ भी करते हैं अपनी तरफ खींचते हैं, तो जो आकुंचन यानी फ्लेक्शन यानी मोड़ते हैं कोहनी को, तो किसके द्वारा? जो हमारे ह्यूमरस हड्डी के ऊपर चढ़ी होती मांसपेशी होती है, डीसीएस यानी कि बाइसेप्स मांसपेशी, वो आकुंचन करने के काम आती है, और प्रकुंचन प्रसारण करने के काम यानी कि एक्सटेंशन में क्यों काम आता है? त्रिसीरस यानी कि ट्राइसेप्स मसल्स जो बाइसेप्स के नीचे होती है। नेक्स्ट है, नितंब संधि का सबसे मजबूत अस्थि बंध क्या है? तो यह होता है शेषांत्र उर्वास्थि। नेक्स्ट है, किस प्रकार का उत्तोलक बाहों के उत्थापन में सर्वाधिक प्रभावशाली है? तो दोस्तों तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जिसमें फोर्स बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के, जैसा कि मैं बार बार बताई हूं कि दोस्तों जैसा कि जो हमारा एक्सिस यानी उत्तोलक होता है ओ एफ ए आर यानी कि ए एक हो गया, दो आपका आर हो गया, तीन आपका एफ हो गया, एक के नीचे क्या है एक, यानी कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में बीच में क्या होता है एक्सिस, और दो पे आपका आर है, तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में बीच में क्या होता है रेसिस्टेंस यानी भार, और एफ के नीचे तीन है यानी कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक में होता है फोर्स यानी बल। तो 312 आप याद कर लीजिए, एफ आर फार और 312 याद कर लीजिए, आपको तीन उत्तोलक हमेशा याद रहेंगे। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है जिसे हम संतुलन का लीवर कहते हैं, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है जिसे हम बल का लीवर कहते हैं, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में फोर्स यानी फोर्स बीच में होता है जिसे हम गति का उत्तोलक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहों के उत्थापन में कौन सी मांसपेशी सम्मिलित होती है? तो बाहों के उत्थापन में अंशच्छद पेशी यानी कि डेल्टॉइड मसल्स होती है बाहों को ऊपर उठाने में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अस्थियां कोहनी की संधि बनाती हैं? तो हमारे कोहनी की संधि यहाँ पे ऑप्शन है स्कंधास्थि, बहिप्रकोष्ठिका, कोहनी से मणिबंध की छोटी हड्डी यानी कि बहिप्रकोष्ठिका हम रेडियस को बोलते हैं, अंतःप्रकोष्ठिका हम अल्ना को बोलते हैं, प्रगंडिका हम ह्यूमरस को बोलते हैं। तो दोस्तों ये अंतःप्रकोष्ठिका यानी रेडियस अल्ना दोनों आकर के हमारे कोहनी पर मिलती है, ऊपर से ह्यूमरस भी आकर के कोहनी पर समाप्त होता है, तो कोहनी को मतलब कि कोहनी की संधि बनाती है ये सभी रेडियस अल्ना और ह्यूमरस। यहाँ पे स्कंधास्थि यानी कंधे की संधि नहीं बनाती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबाहु यानी कोहनी से कलाई तक की मुख्य अस्थियां हैं? तो कोहनी से कलाई तक की मुख्य अस्थियां कौन सी है? बहिप्रकोष्ठिका और अंतःप्रकोष्ठिका यानी रेडियस अल्ना अस्थि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संधि का प्रारूप नहीं है? तो तंतुमय संधि जिसे हम कहते हैं, अचल संधि और श्लेष्मक संधि जिसे हम सिनोवियल संधि कहते हैं, चल संधि, उपास्थिसम संधि जिसे हम अचल संधि कहते हैं, जबकि ये तीनों संधि का भाग है, जबकि अस्थिकृत आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं है, यह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट संधियों के अध्ययन कहलाता है, संधियों के अध्ययन को हम आर्थोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छंद रूप से चलायमान संधियों का एक अन्य नाम यह भी है। तो स्वच्छंद रूप से जो संधि चलायमान होती है दोस्तों उसको हम डायर्थ्रोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायर्थ्रोसिस संधि भी, जैसे कि दोस्तों डी ए एस
यानी कि चल संधि, अचल संधि, अर्धचल संधि और चल अचल संधि। यानी कि चल संधि को डायर्थोसिस भी बोला जाता है, अर्धचल संधि को एम्फियाथोसिस भी बोला जाता है और अचल संधि को साइनोथोसिस भी बोला जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन श्लेष्मक संधि नहीं है। श्लेष्मक संधि यानी साइनोवियल संधि जो हमारे जोड़ों पर पाई जाती है, तो कौन नहीं है? यहाँ पे कोर संधि, धुराग्र संधि, तंतुमय संधि, सर्पण संधि। तो यहाँ पे कौन श्लेष्मक संधि नहीं है? तो आपका यानी कि चल संधि, श्लेष्मक संधि यानी चल संधि का भाग कौन नहीं है इसमें? तो तंतुमय संधि नहीं है, क्योंकि यह हमारे खोपड़ी की संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि की संरचना सिर्फ एक दिशा में झुकाव का अवसर देती है? तो जो हमारे कब्जा संधि होती है यानी हिंज ज्वाइंट होती है, जिसे हम कोर संधि भी कहते हैं, जो एक ही दिशा में गति होती है। इसमें आपका एग्जाम्पल है एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, जबड़े का जोड़, उंगलियों का जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंध संधि किसका प्रारूप है? तो स्कंध संधि किसका प्रारूप है दोस्तों? तो स्कंध संधि प्रारूप है कंदुक खलिका संधि का। किसका? कंदुक खलिका संधि का। स्कंध संधि किसका एग्जाम्पल है? कंदुक खलिका संधि का एग्जाम्पल है स्कंध संधि। और कौन कौन सा है दोस्तों? जो एक हड्डी दूसरी हड्डी के सिरे में घुसा रहता है तो उसको कंदुक खलिका संधि या बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं, जिसमें हमारा हिप ज्वाइंट और शोल्डर ज्वाइंट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानु संधि उदाहरण है, जानु यानी घुटने का जो संधि है वो किसका उदाहरण है? तो यह हमारे कब्जियक संधि यानी कोर संधि का उदाहरण है। जानु घुटने को बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है नितंब संधि है, तो नितंब संधि क्या है? जो हमारे हिप ज्वाइंट है वो आपका होता है कंदुक खलिका संधि, जिसे बाल एंड साकेट ज्वाइंट बोलते हैं। इसमें दो ज्वाइंट विशेषकर ध्यान में रखना रखा जाता है, शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया का समय एक घटक है। तो दोस्तों प्रतिक्रिया का समय आपका मोटर फिटनेस का घटक है, जैसा कि मैं फिजिकल फिटनेस के दो घटक होते हैं, हेल्थ रिलेटेड एंड मोटर फिटनेस। तो मोटर फिटनेस में आपका स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन आता है, जिसमें जो प्रतिक्रिया समय होता है वो मोटर फिटनेस से समय संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच जो रिएक्शन टाइम होता है प्रतिक्रिया के समय को मापती है। तो प्रतिक्रिया के समय को मापती है स्टिक ड्रॉप टेस्ट, ये ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिशाएं किनके अतिरिक्त दाब से जुड़ी हैं? तो यह रक्त अल्पता के अतिरिक्त दाब से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलन यानी कि संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों कंडीशनिंग थ्योरी को दिया है पावलोव ने, जिन्हें कुत्ते पर प्रयोग किया था, और यही कंडीशनिंग का यानी अनुबंधन का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अनुकूलन की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जो अंततः निष्पादन क्षमता को बढ़ाती है किस नाम से जानी जाती है? तो यह भार के अग्रगमन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मविश्लेषण द्वारा अपने व्यवहार के निरीक्षण को कहते हैं। तो आत्मविश्लेषण द्वारा अपने व्यवहार के निरीक्षण को क्या कहते हैं? अंतर निरीक्षण विधि। क्या कहते हैं? अंतर निरीक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में ज्ञान पक्ष अथवा अभिज्ञा को कहते हैं। तो मनोविज्ञान का ज्ञान पक्ष अथवा अभिज्ञा को बोध पक्ष कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे ऐसे ही जानकारी के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।